हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अंडा बिरयानी। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको ऐसा टेस्टी अंडा बिरयानी बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, इसका हम सामग्री तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 4 मीडियम साइज़ प्याज को बारीकी से काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक, इसको हम कूट के अलग रख लेंगे। अब इसका हम मसाला को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1/4 गोल मिर्च, सूखी मिर्च ले लेंगे। अगर आपके पास इसका पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें 1 चम्मच धनिया को ऐड करेंगे। अब इन सारे को हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम कुकर को गर्म कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे लगभग तेल को डाल देंगे। देखिए, यहाँ पे हम अंडा को उबाल के रख लिए थे। अब अंडा में इस तरीके से कट लगा देना है। तो देखिए, अब सारे अंडा में हम इस तरीके से कट लगा चुके हैं। तो उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें अंडा को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 4 अंडे को एक ही बार में फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है अंडा को। उसके बाद थोड़ा सूखी मिर्च पाउडर, थोड़े से हल्दी, उसके बाद इसको इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, जब हमारा अंडा ऐसे रंग का हो जाए तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। यहाँ पे लगभग 4 मीडियम साइज़ प्याज को काट लिए थे। अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप उसी तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चलाते चलाते हम इसे फ्राई करना है, प्याज को बिल्कुल ब्राउन रंग का हो जाए, ऐसा कलर देख लीजिए, जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे रंग का हो जाए, इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लगभग हरी मिर्च को ले लेंगे, इसमें फ़ोरन को डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची को ले लिए हैं। अब इन सारी को हम फ़ोरन में डाल देंगे कुछ सेकंड बाद। देखिए, कुछ सेकंड के बाद अब हम थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें हम प्याज जो बारीकी से काटे थे अब उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद देखिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो तैयार किए थे वो उसको डाल देंगे। इसको हमें चलाते चलाते ऐसे ही भूनते रहना है प्याज को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। देखिए, यहाँ पे हम मसाला को ग्राइंड करके रख लिए थे। इसमें अब 1 चम्मच हल्दी को ऐड करेंगे। देखिए, लगभग 1 मिनट होने के बाद हमारा प्याज का रंग आने लगा है। उसके बाद इसमें हम मसाला को ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। और लो फ्लेम पे इसे हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा, लो फ्लेम पे हमें मसाला को भूनना है और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज टमाटर को काट लिए थे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर से इसे हमें ढक देना है। गैस का फ्लेम लो ही रहेगा, तो बीच बीच में इसे हम देखते रहेंगे कि टमाटर गला कि नहीं। इसे अच्छे से चला देंगे।
तो वो देखिए फ्रेंड्स, फिर से इसे हमें ढक देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, क्योंकि जो तेल का लेयर है वो मसाला के ऊपर आने लगा है, मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम चावल को धो के रख लिए थे, लगभग 15 मिनट तक हमें धो के रखना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो चावल टूटने लगेगा। बिरयानी मसाला को ऐड करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस गिलास से हम चावल नापे थे उसी गिलास से यहाँ पे लगभग 1.5 गिलास पानी को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा चावल जो था 1 गिलास था, तो उसके हिसाब से हम पानी को इसमें ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें अब चावल को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें आधा ही चावल ऐड करना है अभी। तो देखिए इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला देना है। अब इसमें हम अंडा को ऐड कर देंगे। देखिए अंडा ऐड करने के बाद हमें जो आधा चावल था अब उसे ऐड कर देना है। उसके बाद जो 4 हरी मिर्च को हम काटे थे उसे अब डाल देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज है अब उसको ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच घी को ऐड करेंगे। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर दिए हैं। जब कुकर 1 सीटी दे दे तो हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए अब जो हमारा प्रोसेस था वो समाप्त हो चुका है, हमारा अंडा बिरयानी जो है बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप एक बार इसे घर पे ट्राई करके देखें।